हेलो स्टूडेंट्स, आज किस क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, द प्लांट किंगडम। द प्लांट किंगडम पौधों का साम्राज्य है, जिसको हम बोलते हैं बोटनी। गो फॉर ए नेचर वॉक, गो जाओ, फॉर के लिए, ए मतलब एक, नेचर मतलब प्रकृति, वॉक मतलब घूमना, मतलब प्रकृति में के घूमने के लिए जाते हैं। देर आर ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स, देर वहाँ है ए वेराइटी विभिन्नताएँ ऑफ प्लांट्स इन द नेचर, प्रकृति के अंदर प्लांट की बहुत अधिक किस्में हैं, वैरायटी हैं, विभिन्नताएं हैं। बिग स्मॉल स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बड़े छोटे मजबूत और कमज़ोर, इस प्रकार के प्लांट्स हमें नेचर में देखने को मिलेंगे। दे प्रोवाइड अस विद मैनी यूजफुल थिंग्स सच एज फूड क्लोथिंग शेल्टर एंड मेडिसिंस, दे वे प्रोवाइड अस हमें उपलब्ध कराते हैं विद मैनी यूजफुल थिंग, विद मतलब के साथ, मैनी बहुत सारी, यूजफुल उपयोगी थिंग्स वस्तुएं, वे हमें बहुत सारी यूजफुल उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, सच एज जैसे कि फूड भोजन, क्लोथिंग कपड़े, शेल्टर आवास या आश्रय, एंड मेडिसिन और दवाइयाँ। दे कीप द एनवायरनमेंट फ्रेश एंड हेल्थी, दे मतलब वे कीप रखते हैं द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को फ्रेश एंड हेल्थी, ताज़ा और स्वस्थ रखते हैं। अगर पौधे नहीं होंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हेल्थी नहीं रह पाएगा, हमारा एनवायरनमेंट ताज़ा नहीं हो पाएगा, उसके अंदर अनेक प्रकार की गंदी गंदी गैसें इकट्ठी हो जाएंगी, और सबसे मेन तो क्या होता है, CO2 होता है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्वाइट सम वन इज सिटिंग अंडर ए शेड टूडे बिकॉज सम वन प्लांट ए ट्री लॉन्ग टाइम अगो, सम वन कोई इज है सिटिंग बैठा हुआ, अंडर ए शेड एक छाया के नीचे, टूडे आज, आज कोई व्यक्ति एक छाया में, पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ है, क्यों, बिकॉज क्योंकि सम वन प्लांटेड ए ट्री, किसी ने लगाया होगा ए ट्री एक पेड़, लॉन्ग टाइम अगो बहुत पहले, अगर किसी ने पेड़ लगाया होगा तभी तो छोटा सा पौधा पेड़ बना होगा और उसके नीचे कोई छाया में बैठा हुआ होगा, अगर उसने पेड़ नहीं लगाया होता तो आज वहाँ ना तो पेड़ होता, ना ही वहाँ पर छाया मिली होती और ना ही किसी को आने जाने वालों को उससे फ़ायदा होता। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट द प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों जो पौधे हैं उसके बारे में कुछ और जानते हैं, कुछ और सीखते हैं। तो पहला है पार्ट ऑफ ए प्लांट, पौधों के भाग, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पौधों के भागों के बारे में हम सीखते हैं। फर्स्ट है प्लांट बॉडी हैज़ टू मेन पार्ट्स, जो प्लांट बॉडी है, प्लांट का पादप का जो शरीर है, हैज़ टू मेन पार्ट्स, उसके दो मुख्य पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है रूट सिस्टम और सेकेंड होता है शूट सिस्टम, ये दो पार्ट के मुख्य पार्ट होते हैं, प्लांट के दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक तो रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम है इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड, जो रूट सिस्टम है यह क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधों का वह भाग है बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे है, सोइल, सोइल मतलब मिट्टी, मिट्टी के नीचे है, बिलो मतलब नीचे, द ग्राउंड जो मिट्टी के नीचे का पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, क्या बोलेंगे उसको हमें, रूट सिस्टम। नेक्स्ट है शूट सिस्टम, दूसरा कौन सा है, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम को हिंदी बोलते हैं हम जड़ तंत्र या मूल तंत्र, और शूट सिस्टम को बोलते हैं हिंदी में प्रोह तंत्र। अब इसको देते हैं, इट इज़ यह है द पार्ट ऑफ द प्लांट अबोव द सोइल, यह पौधे का वह भाग है जो मिट्टी के ऊपर रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक पार्ट तो है जो मिट्टी के नीचे है, इसको देते हैं रूट सिस्टम, क्या है ये कौन सा है, रूट सिस्टम, और दूसरा पार्ट कौन सा है, इसके ऊपर वाला पार्ट है द शूट सिस्टम, कौन सा ये, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में केवल रूट्स होती हैं, जबकि शूट सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्टेम होता है, बर्ड्स होती हैं, कलिकाएं, फ्लावर होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, शूट सिस्टम के अंदर आते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको आगे, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सोइल, मिट्टी के ऊपर वाला जो पौधे का भाग है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। इट बियर्स ये धारण करता है स्टेम, इसके अंदर आते हैं क्या कहते हैं, स्टेम तना, फ्रूट फल, लीव्स पत्तियाँ, ब्रांचेज शाखाएँ, एंड फ्लावर्स और फूल। तो इसके अंदर पौधों के ऊपर आने वाले जितने पार्ट है वो सब किस में आते हैं, शूट सिस्टम के अंदर आते हैं। दीज टू सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप द प्लांट फिक्स्ड टू द सोइल एंड स्टैंड अपराइट, दीज टू सिस्टम्स ये दो मुख्य सिस्टम होते हैं, वर्क टुगेदर साथ साथ कार्य करते हैं, टू कीप द प्लांट फिक्स्ड टू द सोइल, ये दोनों सिस्टम मिलकर के प्लांट को मिट्टी के अंदर फिक्स रखने के लिए दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं, एंड और स्टैंड अपराइट और ऊपर की तरफ उनको खड़ा रखते हैं, या ऊपर की तरफ इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आगे हम देते हैं रूट्स, अब हम रूट्स को स्टडी करेंगे फिर उसके टाइप्स को देखेंगे।
तो फर्स्ट है रूट्स, जड़। रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द सोइल। जो जड़ होती हैं, मूल होती हैं, वो प्लांट को मजबूती से मिट्टी में जकड़े रखती है या मिट्टी में पकड़े रखती हैं। इवन स्ट्रॉन्ग विंड्स, यहाँ जबकि स्ट्रॉन्ग विंड्स जो तेज़ हवाएं होती हैं, आर अनेबल टू अप्रूट रूट अप्रूट देम, आर हैं अनेबल अयोग्य टू अप्रूट उखाड़ना देम। जो तेज़ हवाएं होती हैं वो भी पौधे को उखाड़ नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़े हुए रखती हैं और पौधे को खड़ा रखती हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। जो रूट होती हैं वो मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं। देन इट इज़ सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद ये मिनरल्स और वाटर को सेंट भेज देती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधों के दूसरे भागों में इसे मिनरल्स और वाटर को भेज देती हैं। रूट्स आल्सो प्रिवेंट सोइल इरोजन। जो रूट्स होती हैं वो प्रिवेंट रोकती हैं सोइल इरोजन, मिट्टी के अपरदन को भी रोकने का कार्य करती हैं। जो रूट्स होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं सोइल इरोजन, मतलब मिट्टी का जो पानी के साथ हवा के साथ जो बहकर मिट्टी जाती है उसको रोकने का कार्य भी कौन करती है? ये रूट्स करती हैं। अब हम देखते हैं इसके हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट है वेराइटी, VARIETY, वेराइटी में विभिन्नताएँ या किस्में या किस्म। शेल्टर, SHELTER, शेल्टर, शेल्टर मतलब आवास या आश्रय। नेक्स्ट है बिलो, BELOW, बिलो मतलब नीचे। SOIL, सोइल, सोइल मतलब मिट्टी। ABOV, अबोव, अबोव मतलब ऊपर। बोटनी, BOTANY, बोटनी, बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान या प्लांट किंगडम। शेड, SHAD, शेड, शेड मतलब छाया। फ्रिमली, FIRMLY, फ्रिमली मतलब मजबूती से। नेक्स्ट है अप्रूट, UPF, रूट, अप्रूट मतलब उखाड़ना। मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खनिज लवण। प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना। नेक्स्ट है इरोजन, EROSION, इरोजन, इरोजन मतलब अपरदन, जो मिट्टी की परत ऊपर से हटती है उसको बोलते हैं इरोजन या अपरदन, पानी से या फिर हवा से जो मिट्टी के ऊपर ही परत हटती है उसको बोलते हैं इरोजन। एजिबल, EGIBL, एजिबल मतलब खाने योग्य। टैप रूट, TAPROT, टैप रूट मतलब मुछला मूल। फाइबरस रूट, रेशेदार जड़। FIBROUS, फाइबरस आर्जब्रोटी रूट। टैप रूट और फाइबरस रूट, ये रूट के दो टाइप्स हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इस क्लास इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।